अरे तो मैं कहां से बीच में आ गया? तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने कुछ नहीं बनाया। बेटा मैं तो समझती थी कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। मुझे आपसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो तुम तो दूसरों की तारीफें भी खुद ही समेट रही हो। देखिए तुमने तो कुकिंग में रूही को भी पीछे छोड़ा। मैं भी सबकी तारीफें ऐसे वसूल कर रही हूं जैसे सब कुछ तुम्हीं ने बनाया। मुझे लगता है कि तुम सिर्फ गैर जिम्मेदार हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ड्रामा सीरियल मेरे ही रहना की कहानी में जुनैद के किचन में काम करने वाली बात जब से फरीदा बेगम को पता चली है, अब तो उन्होंने जुनैद का दिल बीना की तरफ से खराब करने की ठान ली है। रूही और बीना के अब्बी को खाने पर दावत देंगी। सारा खाना बनाना और पूरी दावत का इंतजाम रूही ने किया होगा, लेकिन वो चालाकी से खाने की मेज पर बीना की तारीफ करेंगी, जिस पर बीना हैरानगी से उन्हें देखती रह जाएगी कि ये अम्मी क्या कह रही हैं। बाद में जुनैद के सामने जाकर बीना से कहेंगी कि ना सिर्फ तुम एक गैर जिम्मेदार लड़की हो बल्कि तुम दूसरों की तारीफें भी खुद समेट रही हो, और ये कि वो दावत का अहतमाम तुमने नहीं किया था। दूसरी जानिब रूही को भी बीना के इस तरह चुप रहने पर बहुत गुस्सा है। अकेले में ले जाकर बीना से कहेगी कि इस मासूम चेहरे के पीछे इतनी चालाक लड़की है, मुझे अंदाज़ा नहीं था। तुम अच्छी तरह जानती थी खाना तुमने नहीं बनाया, फिर भी सबके सामने कैसे तारीफें वसूल की तुमने। बीना अपने आप ही से ये सारी बातें सुनकर और दुखी हो जाएगी। उदास होकर जुनैद से भी कह देगी कि मुझे आपसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। मेरी आप ही मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो मेरी देवरानी बनकर बिल्कुल बदल गई।